भीड़ को भी जरा दिखा दीजिए। ए ए आज सामू छ आगे हो जा। सभी फेसबुक यूजर्स जितने लाइव हैं सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग समर्थन हमेशा मजबूती के साथ मिला है। आज राघोपुर से हमने नामांकन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारी मतों से राघोपुर की जनता जो है हमें विजयी बनाएगी। जब पथ निर्माण मंत्री थे तो लगभग वैशाली जिला को 900 करोड़ रुपए का योजना हमने दिया। राघोपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। जो 6 लेन ब्रिज जो है, पुल जो है, जब डिप्टी सीएम हम थे तो हम लोगों ने शिलान्यास किया था। अभी काम चल रहा है लेकिन उस डिजाइन में राघोपुर दियर का नीचे उतरने का कुछ भी उपाय नहीं था, जिसको हमने नीचे राघोपुर उतरवाने का काम किया। और तेज प्रताप जी ने महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया। लगभग जो विकास के कार्य होने चाहिए हम लोगों ने हर एक जो संभव हो सका वो हम लोगों ने किया। धोखा नहीं मिलता, सरकार रहती तो और अच्छा काम होता और बढ़िया काम होता, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि लोगों में तूफान है और राघोपुर की जनता जो है वो विधायक नहीं चुनती है, वो मुख्यमंत्री चुनती है। ये राघोपुर की जनता इस बार हैट्रिक लगाने का काम करेगी, मुझे पूरा भरोसा है राघोपुर की जनता पर। कई लोगों ने कहा कि दो जगह से चुनाव लड़ी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे कहीं दो जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जगह से ही हम चुनाव लड़ेंगे, वो राघोपुर है। राघोपुर की जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है और राघोपुर के साथ साथ पूरे बिहार के जनता, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र, छात्राएं, सभी लोगों का हमको समर्थन और साथ मिला है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये भरोसा जो आप लोगों ने मुझे पे किया है, क्योंकि बिहार जो है युवा प्रदेश है देश का, और इस बार नई सोच की सरकार होनी चाहिए, नया सरकार होना चाहिए। बिहारियों ने मन बना लिया है कि इस बार की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये आप लोगों का सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले तो हम लोग क्लीन स्वीप जो है मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। ये हर एक तरफ बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने वादा किया है कि ये जो बेरोजगारी है, पहला अगर मुख्यमंत्री आप लोगों की कृपा से हम बनते हैं, आशीर्वाद से बनते हैं, तो पहले कैबिनेट मीटिंग में पहले कलम से मेरा जो चलेगा हस्ताक्षर होगा वो 10 लाख रोजगार हम लोग जो है बेरोजगार नौजवान भाइयों को देने का काम करेंगे। ये केवल स्थायी नौकरियां होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि कारखाने हो, उद्योग हो, ये सारी चीजें, टूरिज्म की बात की जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी पार्क, सेस पूरा जो है, इस सब चीजों में काम जब होगा तो कई और 10 लाख के अतिरिक्त जो प्राइवेट में भी कारखाने लगेंगे तो काफी रोजगार जो है सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो है ये कहते हैं, हास्यास्पद है, मुख्यमंत्री जी इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी कर किया जा सकता है। आप थक चुके हैं, आपसे बिहार नहीं संभल रहा, उसलिए आपको हास्यास्पद लग रहा है। हमने ये भी कहा जो छात्र छात्राएं जो भर्ती के लिए आवेदन देते हैं सरकारी नौकरियों में, उस फॉर्म का फीस भी हम लोग माफ करेंगे। और आज मेरा नामांकन है, नामांकन के दिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने नियोजित शिक्षक भाई हैं जिनको नीतीश कुमार जी ने लाठी डंडों से पिटवाने का काम किया, जब अपने अधिकार की बात करते हैं, समान काम समान वेतन की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी ने हमेशा लाठी से और कई बार तो धमकाने का भी मंच के माध्यम से उन्होंने धमकी देने का काम किया कि खत्म कर देंगे। याद कीजिए आप लोग।
का सरकार बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा, वो गरीब का सरकार होगा, किसान का सरकार होगा, मजदूर का सरकार होगा, नौजवानों का सरकार होगा। उसलिए हमने ये आज नामांकन के दिन हमने फैसला किया कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, जो अधिकार जो बनता है, समान काम समान वेतन, हमारी सरकार आने पर उनको समान काम समान वेतन हम लोग देंगे। इसलिए अभी चारों ओर आप देख सकते हैं स्वयं ये लोग आए हुए हैं। हम लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा है इसलिए स्वयं लोग आए हैं, काफी लोग यहाँ जुटे हैं। आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।